फोन पे वर्सेस गूगल पे कौन सा अच्छा है, फोन पे यूज करूँ या फिर गूगल पे यूज करूँ। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बारीकी से आपको मैं समझा दूंगा कि आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और मैं कौन सा यूज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ फोन पे और गूगल पे के अलावा मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे यूपीआई एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि लोग उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते जितना फोन पे और गूगल पे को करते हैं। जैसे कि हमारे सभी के व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग व्हाट्सएप पे यूज़ करता है क्या? आप यूज़ करते हो क्या? मैं तो नहीं करता। ठीक है, मैं गूगल पे या फिर फोन पे प्रेफर करता हूँ, मतलब ट्रस्ट के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको कौन सा जो है फोन पे अच्छा आपको ट्रस्ट लगता है, मतलब ट्रस्टेड लगता है या फिर गूगल पे लगता है, वो तो एक बात हो गया, एक पॉइंट हो गया। लेकिन उसके अलावा मैं दो दो एप्लीकेशंस की जो फोन पे और गूगल पे है दोनों की एक खासियत बता देता हूँ। फोन पे की एक खासियत ये है कि आप फोन के पे के अंदर एक अपना वॉलेट के अंदर 10,000 तक पैसे को रिसीव या फिर सेंड कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो 10,000 तक। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट को बिना पता लगाए, ठीक है, आप मतलब फोन पे के अंदर एक जो है वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हो, वॉलेट के अंदर आप पैसे रख सकते हो जो कि गूगल पे के अंदर अवेलेबल नहीं है। गूगल पे के अंदर आप जो है उतना ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते, गूगल पे के अंदर आप जो है अपना जो बैंक अकाउंट है उससे डायरेक्टली आपका पैसा कटेगा या फिर रिसीव होगा डायरेक्टली अपने अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा डील ब्रोकर है कि आपको जो है इसके वजह से आपको फ़ोन पे ही यूज़ करना है। मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही यूपीआई एप्लीकेशन से दोनों ही सेफ है, किसी एक के अंदर ही आप मेरा बैंक अकाउंट मेरा पर्सनल जिस भी बैंक को मैं ट्रस्ट करता हूँ उस बैंक अकाउंट में मेरा पैसा रहेगा, उसी से मैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये मेरा मतलब मानना है, मुझे गूगल पे पसंद आता है। लेकिन गाइस गूगल पे का एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि गूगल पे को आप जो है किसी भी दूसरे बंदे को अपना नंबर दिए बगैर ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप जो है नियर बाई डिवाइस में मतलब आपके आसपास कोई भी बंदा है तो उसको आप जो है अपना नंबर बिना बताए आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, रिसीव या फिर सेंड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो आप यूट्यूब पे देख लेना, मैं यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। और आई होप को समझ में आ गया होगा कि फ़ोनपे और गूगल पे का एक जो है मैंने जो है आपको जो एक प्लस पॉइंट बता दिया, एक जो है बेनिफिशियल होने वाला है, कौन सा आपको अच्छा लगता है कि आपको वॉलेट में ज़्यादा जो है अच्छा लगता है या फिर आपको जो है नियर बाय जो ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पर आपको जो है अपना नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है जो नियर बाई डिवाइस है उसमें आप डायरेक्टली जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो भी एक अच्छा बात है। आप जो है गूगल पे को उसकी वजह से यूज़ कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है यूपीआई एप्लीकेशन जो कि बिना नंबर के भी आपको जो है पैसे सेंड या फिर रिसीव करवा सकता है, मतलब जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ पर जो है आपका पैसे चोरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और आपका जो है ओटीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जो है मतलब इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता वो एप्लीकेशन जो यूपीआई एप्लीकेशन होते हैं, आपको जो है उन सबको यूज़ नहीं करना। आपको गूगल पे या फिर फोन पे दोनों में से एक कोई चूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि गूगल पे और फोन पे से आपको जो है कौन सा यूज़ करना है। और बाकी मैं आपको बता दूँ आपको कौन सा एप्लीकेशन को ज़्यादा मतलब ट्रस्ट लगता है, आपको जो है कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से दोनों ही अच्छा है और मैं पर्सनली गूगल पे यूज़ करता हूँ। लेकिन गाइस क्यों मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ, कभी कभार जो है रिचार्ज करते टाइम फ़ोन पे के अंदर जो है ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जितने मतलब जैसे कि मान लो 719 का एक रिचार्ज आता है, उसको रिचार्ज करने के लिए आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 4 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो मैं क्यों दूँ 4 रुपये एक्स्ट्रा में क्यों दूँ? मैं डायरेक्टली जाके अपना जो जियो का एप्लीकेशन और जियो का जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट है वहाँ पर जाके मैं कर सकता हूँ रिचार्ज। मैं गूगल पे से अगर करता हूँ तो यहाँ पर जो है कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली गूगल पे से कर लेता हूँ। या फिर किसी भी जो अगर फ़ोन पे ले रहा है टैक्स ना तो गूगल पे भी लेगा, उसमें कोई भी देरी नहीं है, वो ज़रूर लेगा आने वाले किसी दिनों में, मतलब कुछ दिनों में लेगा ज़रूर। ठीक है, अगर वो लोग लेना शुरू कर दिया टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्टली जाके अपना जो बैंक अकाउंट है उसी का जो बैंक अकाउंट हर एक बैंक अकाउंट के हिसाब से अपना एक एप्लीकेशन आता है उसके अंदर भी आपको यूपीआई मिलता है, यूपीआई अकाउंट मिलता है, उसी से आप जो है डायरेक्टली अपना जो वेबसाइट है जियो का या फिर एयरटेल का किसी भी आप रिचार्ज करना चाहते हो उसके वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हो विदाउट एनी टैक्स। ठीक है, और अगर आप दुकान वालों से करवाना चाहते हो वो भी आपसे टैक्स मांगेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो बेनिफिशियल आप ज़्यादा रहोगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसे मस्त मस्त वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।